बहुत ही घना जंगल है। घना जंगलों के बीच में ये बड़े बड़े विशालकाय पेड़, और मैं और मेरे अंकल आज मेरे खेती का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ। और आगे में बहुत ही घना जंगल है, मैं आपको दिखाते जाऊँगा वीडियो। शायद आप लोग बोर हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग बोर मत होइए और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और आगे वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही बढ़िया जंगल है ये, बहुत ही घना जंगल, जस्ट लाइक अमेजन फॉरेस्ट। और अभी मेरा अंकल मुझे गाइड करके लेके जा रहा है खेती की ओर, और मैं पीछे पीछे अंकल का कैमरा खुद से ऑपरेट करके जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। जाने का रास्ता हम ही है, और क्या बताएगा ना दूसरा आदमी जगह हमसे तो थोड़ा सा वहाँ से यहाँ इतना तो वो बताएगा। अरे हम लोग का है तो चल रहा हम ही है ना, चल हम ना यार हम भी लेकिन यही जा रहे हैं। ये वाला घास जो कैसे जोन के पता ही नहीं ना हम लोग चिबा का मेटी में तो ऐसे क्या क्या होता है बड़े ये वाला पेड़ ना, ओ ये वाला पेड़ तो कैसे वो जोन के पता ही नहीं। वाह 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 वाह, नहीं ये लोग को बता नहीं सकते तो ना, इतना सबसे सबसे घास है ना, ये लोग जानता होगा कितना मिथेन दे करके वो किया है आज का मेरा ब्लॉग्स बनाने का मकसद है, मुझे अपना एंसेस्टर जहाँ रहता था, जहाँ से हम चिबा ओरिजिन हुआ था, उस जगह तक पहुँचना। हालांकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि समय बहुत कम है, और बहुत कम समय को देखते हुए मैं यहाँ पे आया था। तो जहाँ से हम चिबा ओरिजिन हुआ था, उस जगह का नाम है खम। तो खम तक तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तो मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वो जगह का नाम तो मुझे पता नहीं, और चाचा का मुँह से भी नाम नहीं निकल रहा है। फिर भी मैं वहाँ पहुँचने के बाद मैं उस जगह का आपको दिखाऊंगा, और उस जगह में क्या मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपको दिखाऊंगा। सुनने में आया है कि मतलब वहाँ पे जो हमारे पूर्वज और हमारा जो अभी तक चलते आ रहा जो भी पीढ़ी है, वहाँ पर मिथुन वगैरह का वहाँ पे मतलब चढ़ावा वहीं करते हैं। तो वहाँ मिथुन का मतलब खुट्टी हुआ करता है, तो मिथुन जहाँ पे रखा है वहाँ मिथुन नमक का बदली में वो पत्थर को चाटने आता है, और चिड़िया भी आते हैं वहाँ पे वो पत्थर को खाने के लिए। वो पत्थर मतलब कुछ डायमंड्स की तरह देखने में है, तो मैं सिर्फ सुना है आज तक लेकिन मैं कभी देखा नहीं। तो मैं अभी वही देखने जा रहा हूँ कि वो वाकई में है तो क्या चीज़ है वो, तो मैं अभी उसी को देखने जा रहा हूँ। तो रास्ता बहुत ही उबड़ खबड़ है, आप देख लीजिए यहाँ का ये रोड जो है। यहाँ में रखे जाएगा पीछे आइए बहुत ही दिन चलाते हैं जी अच्छा हाँ हाँ
आखिरकार हम वो जगह पहुंच गया जहां के बारे में मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना था कि यहां का जो मिट्टी है एकदम चांदी की तरह चमकता है और यहां में जो पत्थर है वो सोना का तरह चमकता है, शाइनिंग करता है, और जो मिट्टी है ये नमकीन होने का वजह से यहां पे मिथुन अक्सर यहां पे आते हैं खाने के। जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी भी एक मिथुन ये साइड पे खड़ा है, हमें देख के सामने नहीं आ रहे। वो यहां पे पक्षी भी आते हैं, इसीलिए यहां पे ये फंदा लगाया हुआ है, जो ट्रैप बनाया है यहां पे पक्षी फंसाने के लिए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस कीचड़ के बारे में, जो कि पूरा सिल्वर कलर है, और ये सिल्वर कलर है प्लस यहाँ पे हल्का सा नमकीन भी है, लेकिन मैंने चख के नहीं देखा क्योंकि जानवर यहाँ चखते हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ पत्थर मिला है, ये देखिए, ये पूरा गोल्डन है। अभी कैमरा के सामने ना खास गोल्डन दिखाई नहीं दे रहा, मगर खुद नंगी आँखों से तो पूरा गोल्ड दिखाई देता है ये, लेकिन अंदर पर तोड़ने पर आपको पत्थर मिलेगा। इसका सिर्फ परत जो है वो गोल्डन का है, और ये इसी जगह पे मिलते हैं यहाँ पे, इसी इलाके पे। और मुझे यहाँ आने से पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं उठाना है, इसलिए मैं लेके नहीं जाऊँगा। अभी मैं आपको ले चलता हूँ, ये मेरा अंकल का कार्डमम का खेती है। यहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ अंदर भी तो है नहीं, तो हम लगाना था ना हमसे तो। दुनिया अंडा बई 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 थारे के सोया। हम टाइम देखते हूँ, सारे एक दिन यहाँ पहुँच रहा है, हम लोग का जगह इतना प्लेन जगह अभी पहुँच रहा है। पागम नाम तो है, पागम अंकल का कहने का मतलब ये है कि दादा दादी यानी कि इस जंगल का देवता जो इस पे वास करते हैं, उससे परमिशन ले रहे कि हम अपना बेटा के साथ में यहाँ जंगल में चल रहा है, आपका घर में आए हैं, अगर हमसे कोई गलती होता है, भूल चूक होता है, तो हमें माफ़ करना, और जिस कार्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें अपने मंजिल तक पहुँचने में आप हमारा सहयोग दे भगवान। ये खींचे तो जम लंगा जम लंगला जम तू हाँ वाला बा अमोला जुम्मन लिया।
चाने ओ चे कराओ लंग कल लो कहे वेता वे ने लात भी नहीं हुआ बे गम निमंग हुए आप ही हो गया तो आप उन राजन दामा छिम ने जंग ये बने इधा का जी मजे आई वाला तुम तंचा तमुनु वाला में हमु की एम पे चाने वो खिचू ला हो क्या कर ले क्या हुए हैं भाई तो क्या बोल मचो बा हुए क्या माम हुए क्या मैं जो क्या तावे हाँ ना क्या होना तुम ने क्या मार होना तुम कर ले तुम बहुत ही सुंदर जगह शहर से दूर गांव के अंदर और शोर शराबे से और पोल्यूशन से दूर यहाँ पे ये लोग खेती करने के लिए इस जंगल को काटा है। ये लोग इतना ही प्रकृति से लेते हैं जितना इनको ज़रूरी होता है और ये लोग एक्स्ट्रा ये लोग वेस्ट नहीं करते हैं। तो वैसे मुझे ये जो पेड़ कटा हुआ देख के मुझे वैसे अफसोस लग रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये मेरा खेती नहीं है, ये मेरा अंकल का खेती है। मैं बस समझा सकता हूँ उसे। वैसे ये मुझे अपना खेत दिखाने के लिए यहाँ लेके आए हैं मेरा अंकल। जंगल के बीच में किसी ने इस जगह पे शिकार करने के लिए कैंप बनाया है और ये कैंप जो है अभी का नहीं, ये बहुत पुराना कैंप है, लेकिन यहाँ पे मतलब लोग आते हैं, बैठते हैं, शिकार करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन ये जो आग लगाया हुआ है, ये जो ताज़ा आग लगाया हुआ है, अभी हम यहाँ पे कुछ देर के लिए हम यहाँ पे आराम करेंगे मेरे अंकल के साथ। ये और कुछ हम ड्रिंक लेंगे ताकि हम रिफ्रेश हो जाए, एनर्जी बूस्ट हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लकड़ी का जो ये वॉल बना है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लकड़ियाँ कुछ रखा है जो आपको जाने के लिए काम आएगा।
और देखिए क्या चादर लेके निकला है। अब ये लोग इतना मतलब पत्थर में इसे बनाया है ना, खाली पत्थर भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चला राइसम में खाली पत्थर गिरेगा डर नहीं होती क्या? जमाना से है मतलब, जमाना से है। इसलिए भरोसा है मतलब। इसलिए भरोसा है उसने होगा और क्यों? बोलते तामिया जाबे मारा है बड़ा। एक ही है? हम। हनु के हना है तामिया। तामिया वाकले ये वजह कम बोलते अली। तामिया कम आ आ बया। अच्छा 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 अच्छा। बताओ तो वो करके उन्हें गिरा है। मैं आखिरी बार यहाँ में आया था जब मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था, और क्लास 10 के बाद मैं यहाँ दोबारा कभी आया नहीं। उसके बाद मैं अभी इतने सालों बाद मैं इस जगह पे अपने गांव पे आया हूँ। वो भी तो मैं सोच रहा था कि मतलब इसी बीच में अपना गांव का इलाका जो बचपन में घूमता था, जहाँ मेरा इलाका था, हम लोग जहाँ कहाँ शिकार करते, जहाँ पर हमारा खेत हुआ करता था, और कहाँ का हमारा चीबा जो क्लैंस का जो मतलब लैंड है, हम लोगों का जो मिट्टी कहाँ कहाँ है, तो वो चीज़ को हम देखने के लिए यहाँ घूम घूम के यहाँ में आए हैं। अभी यहाँ पे मेरा अंकल जेकी चिंग के साथ में झोपड़ी को छोड़ के जा रहा हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे। फाइनली हम ये वो जगह पहुंचा है जब कभी हम अपने घर पे छोटा मोटा कोई भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपने देवता को, अपने पूर्वजों को, उनके नाम पे जो भी हम सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो उसके कुछ हिस्सा हम यहाँ चढ़ाते हैं। जैसे कि ब्लड सैक्रिफाइस कुछ भी करना हो, तो उनका जो रियल जो इनका रहने का जगह वो ये है। यहाँ से ये लोग पैदा हुआ है, तो पहले यहाँ में हमारा फोर फादर यहाँ रह चुका है, ये वही जगह है। तो अब इस जगह पे कोई रहता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे साल में एक बार इस जगह में पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं, उनको हम याद करते हैं साल में एक बार आकर, ये वही जगह है। अभी शाम का वक्त हो चला है, अभी कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए उन्होंने तय किया कि अभी वापस घर जाना चाहिए। तो अभी वैसे रास्ता भटक गया है, तो मेरा अंकल जो है आगे जाके वो रास्ता को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है, पीछे पीछे मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कैमरा के साथ। बहुत ही खतरनाक रास्ता है यहाँ पे है चलने के लिए, कोई रास्ता ये तो चिकन चिकन बोलता है चिकन 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 ये जगह में तो कितना मिठन डरने वाला भाई, हम ही पकड़ रहे हैं। अच्छा भागने वाला मिठन का क्योंकि रात हो गया है, अंधेरा हो गया, पर अभी हम अपना घर पहुंचने वाला ही हो गया।